हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था ऑपरेशंस के अंतर्गत ड्रिल के बारे में, जिसमें हमने जाना था ड्रिल क्या होता है, ड्रिल के विभिन्न टाइप्स के बारे में जाने, फिर उसके बाद ड्रिल के एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुल ड्रिल के डिफेक्ट के बारे में कि ड्रिलिंग करते समय कई सारे उसमें दोष आते हैं, कभी ड्रिल टूट जाती है तो कभी होल रफ बनता है, तो कभी एक ही लिप से लगातार चिप्स निकलते रहते हैं, तो इन सब के क्या कारण होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कटिंग स्पीड, फीड और ड्रिलिंग टाइम को कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ड्रिलिंग डिफेक्ट एंड कॉजेस, क्या क्या ड्रिलिंग के समय कौन कौन से दोष होते हैं और उनके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला दोष जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू मेक ए रफ होल। तो ड्रिलिंग करते समय कई बार क्या होता है, होल हमारा उतना फिनिश नहीं बनता, होल रफ होल बनता है, इसमें काफी सारे स्क्रेचेस वगैरह होते हैं। तो रफ होल बनने का क्या कारण होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है बिना धार वाला कटिंग एज, मतलब जो हम ड्रिल पर प्रयोग कर रहे हैं उसकी कटिंग एज है क्या हो गई है, डल हो गई है, मतलब उसकी धार खत्म हो गई है, तो होल कैसा बनेगा, रफ बनेगा। दूसरा कारण क्या है, अधिक फीड दर, मतलब हम आवश्यकता से अधिक उसको फीड दे रहे हैं, ज्यादा फीड दे रहे हैं तो उतना पर्याप्त समय नहीं पाता हूँ मटेरियल को रिमूव करने के लिए, तो इससे भी क्या होता है, होल रफ बनता है। तीसरा जो कारण है, शीतलन का अनुचित प्रयोग, मतलब जो हमें कूलेंट यूज करना है वो हम प्रॉपर रूप से कूलेंट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण भी होल रफ बनता है। इससे बचने के क्या उपाय है, तो सिंपल सा है, जो हम कटिंग टूल प्रयोग कर रहे हैं उसको ग्राइंड करके तब प्रयोग करें, और फीड को अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिनिश के अनुसार चयन करके उचित फीड का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है कि कूलेंट का जो भी शीतलन है उसका निश्चित नियमित रूप से प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे कि रफ होल ना बने। दूसरा इसमें आता है डिफेक्ट में, ओवर साइज होल, जो होल हमें करना था, ड्रिल करना था, मान लीजिए 10 mm करना था, और ड्रिलिंग के बाद पता लगा जब हमने मेजर किया तो 10.5 का या 11 mm का हो गया, तो होल ओवर साइज क्यों बना, जिस साइज का चाहिए था उससे अधिक बड़ा क्यों बना, उसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण, कटिंग एज का असमान कोण और असमान लंबाई, जो ड्रिल है हमारा उसका जो पॉइंट है उसमें दो कटिंग एजेस होती हैं, अब दोनों अगर प्रॉपर रूप से ग्राइंड नहीं है, ग्राइंडिंग करते समय उसके कटिंग एज का कोण क्या है, अलग अलग हो गया। जैसे हमने देखा था कि जो जनरली होता है 118 होता है, कितना होता है 118, तो मतलब 161 डिग्री का होता है, एक तरफ 161 डिग्री, दूसरी तरफ 161 डिग्री, अभी अगर सही रूप से नहीं बना है, एक तरफ ज्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया, तो भी होल क्या बनेगा आपका, ओवरसाइज बनने के चांसेस होंगे। दूसरा क्या है, असमान कटिंग लिप्स की लंबाई, मतलब एक की लंबाई ज्यादा हो गई है एक की लंबाई कम हो गई है, तो जिसकी लंबाई ज्यादा होगी वही क्या करेगा, मतलब सरफेस को टच करेगा और मटेरियल को रिमूव करेगा, स्मॉल एंड वाला वो टच ही नहीं कर पाएगा, तो इससे होल क्या होगा, ओवरसाइज बनेगा। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होते हैं कि कटिंग एज का असमान कोण व असमान लंबाई, चाहे कटिंग एज कहा जाए या कटिंग लिप कहा जाए, एक ही समझिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, स्पिंडल का अपने सेंटर पर ना होना, जिस स्पिंडल में हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल को होल्ड कर रहे हैं, हमने जॉब पे मार्किंग कहीं अलग कर रखी है, स्पिंडल हमारा सही से सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा आउट है, तो होल क्या होगा आपका, ओवरसाइज बनेगा। नेक्स्ट इसमें आता है, ड्रिल पॉइंट का अपने सेंटर पर ना होना, जैसे आपने जॉब में सेंटर मार्क किया है, सेंटर पर से अब अगर वो सेंटर से थोड़ा आगे पीछे हो गया, इधर उधर हो गया है, तो फिर ड्रिलिंग करते समय क्या होता है, स्टार्टिंग करने का फिर से उसी को वापस आ जाता है, तो उस समय भी ड्रिल के द्वारा जो होल किया जाता है ओवरसाइज बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट हैं, मतलब ये सारे कारण हैं ओवरसाइज होल बनने की, कटिंग लिप की असमान कोण असमान लंबाई, ड्रिल हमारा कंसंट्रेट नहीं है, स्पिंडल अपने सेंटर पर नहीं है, ये सारे पॉसिबल कारण हैं। बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जब भी ड्रिल को हम ग्राइंड कर रहे हैं तो प्रॉपर रूप से ग्राइंड करना चाहिए, जो उसके गेजेस होते हैं ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, उसका प्रयोग करते हुए लिप एंगल को सही से चेक करना चाहिए, उसकी लंबाई को प्रॉपर रूप से ग्राइंड करना चाहिए, और स्टार्टिंग करने से पहले, ड्रिलिंग करने से पहले हमें श्योर होना जाना चाहिए कि जो ड्रिल का सेंटर है वो एग्जैक्ट उसमें मैच कर रहा है सेंटर पॉइंट पे या मैच नहीं कर रहा, मतलब ड्रिल कंसेंट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो होता है, दोस्तों अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स, मतलब जो चिप्स है छीलन निकल रही है,
अनइक्वल मतलब असमान रूप से फ्लो हो रही है, मतलब एक क्लिप एंगल से ज्यादा, एक ही क्लिप एंगल से निकल रही है, दूसरे से नहीं निकल रही है। तो इसके क्या कारण होते हैं? तो इसमें आता है सबसे पहला, ये पॉइंट एंगल सेंटर में ना हो, तो जो पॉइंट एंगल है वो असमान है, सही से प्रॉपर रूप से ग्राइंड नहीं किया गया है। दूसरा है असमान कटिंग एज, मतलब जो कटिंग एज है उसकी लंबाई सही नहीं है, असमान है, एक छोटा है एक बड़ा है। जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला होगा उसी से चिप्स का फ्लो लगातार होगा, दूसरे वाले से नहीं होगा। तो ये कुछ कारण होते हैं अनइक्वल फ्लो चिप्स के। तो इससे बचने के लिए हमें ड्रिल को प्रॉपर रूप से ग्राइंड करना चाहिए, प्रॉपर एंगल में, प्रॉपर लंबाई में। नेक्स्ट है ब्रोकन ड्रिल। कई बार देखा जाता है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल उसमें फंस कर टूट जाता है, तो ड्रिल टूटने के क्या कारण होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है अधिक फीड, आवश्यकता से, आवश्यकता के अनुसार उससे अगर हम अधिक फीड का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है, प्रॉपर दबाव को नहीं झेल पाता है और ड्रिल अचानक उस पर इम्पैक्ट लोड पड़ने की वजह से वो टूट जाता है। नेक्स्ट आती है शीतलन की कमी। अब जो हम कूलेंट प्रयोग कर रहे हैं प्रॉपर रूप से नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा, घर्षण बहुत ज्यादा होगा, हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, चिप्स भी फंस जाते हैं, प्रॉपर रूप से उसे स्थान नहीं मिल पाता चलने के लिए और वो क्या होता है, ड्रिल टूट जाता है उसमें फंस कर। तीसरा कारण है अनुचित पॉइंट एंगल। जो पॉइंट एंगल चाहिए था उतना हमें नहीं है, पॉइंट एंगल प्रॉपर रूप से ग्राइंड नहीं किया गया है तो भी ड्रिल के टूटने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है धार रहित ड्रिल, मतलब तो जो हम ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो उसकी कटिंग एजेस है शार्प नहीं है, वो क्या है, ब्लंट है या कटिंग एज डल है तो भी ड्रिल के टूटने की संभावना रहती है। नेक्स्ट होता है फ्लूट में छीलन का फंसना। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर उसका अनइक्वल कटिंग लिप्स होगा, अनइक्वल कटिंग एंगल होगा तो चिप्स जो है सीलन है कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर पाएगी, वो डिसकंटिन्यूअस फ्लो होगी, उसी में फंस फंस कर फ्लो होगी, तो जिससे क्या होगा, ड्रिल प्रॉपर रूप से चल नहीं पाएगा अपने मार्ग पर और ड्रिल में जब सीलन फंस जाएगी तो ड्रिल क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये कुछ कारण है, इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, फीड हमें आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपर रूप से मटेरियल के अनुसार हमें कूलेंट का प्रयोग करते रहना चाहिए, पॉइंट एंगल सही होना चाहिए, ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि जो उसकी धार है शार्प है या नहीं है, और छीलन को फंसने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर रूप से छीलन को फंसने से रोकने के लिए क्या करना है, हमें कंटिन्यूअस रूप से कूलेंट का प्रयोग करते रहना है। ठीक। नेक्स्ट जो इसमें आता है ओवर हीटेड ड्रिल, मतलब ड्रिलिंग करते समय कई बार देखा जाता है ड्रिल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या फिर जो उसका जो पॉइंट होता है या ओवर हीट होने की वजह से बर्न हो जाता है, तो इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फीड ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है कि ड्रिल आपका ओवरहीट हो जाएगा। अधिक कटिंग स्पीड का प्रयोग कर रहे हैं, कटिंग स्पीड मतलब जितना हमें अकॉर्डिंग टू मेटर के अनुसार जितना मटेरियल रिमूव करना चाहिए उसे ज्यादा मटेरियल रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कटिंग स्पीड ज्यादा रख रहे हैं तो भी ड्रिल ओवरहीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुचित पॉइंट एंगल धार रहित ड्रिल, मतलब जो पॉइंट एंगल है वो सही नहीं है, अनइक्वल है, ज्यादा कम ज्यादा है, धार रहित ड्रिल जो ड्रिल है उसमें जो उसकी शार्पनेस होनी चाहिए प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रूप से ग्राइंड नहीं है उसकी धार तो भी ड्रिल ओवरहीट हो जाएगा। अपर्याप्त शीतलन, मतलब कूलेंट की कमी है, प्रॉपर रूप से हम शीतलन नहीं कर रहे हैं, अनुचित क्लियरेंस कोण द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब जो क्लियरेंस एंगल रखा जाना है मटेरियल के अनुसार नहीं है, कम है क्लियरेंस एंगल तो क्या होगा, वो उसमें फंस के चलेगा, ड्रिल घर्षण करता हुआ चलेगा तो जाहिर सी बात है कि ड्रिल ओवर ही हो जाएगा। तो इन सबसे बचने के लिए हमें फीड दर सही रखना चाहिए, कटिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार रखना चाहिए, क्लियरेंस एंगल भी आपका सही से प्रॉपर ग्राइंड होना चाहिए, प्रॉपर रूप से ग्राइंड करके बनाया जाना चाहिए और जो उसकी कटिंग एजेस है शार्प होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम चर्चा करने वाले हैं इस सबके बाद ड्रिल कटिंग स्पीड, कि ड्रिलिंग करते समय हम कटिंग स्पीड का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार ड्रिल स्पीड वेरी करता है, तो आइए देखते हैं ड्रिल स्पीड क्या होती है। तो ड्रिल की जो कटिंग स्पीड है, जिस स्पीड से ड्रिल जाब में प्रवेश करता है, जाब में पेनिट्रेट करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। तो लिप है उसका, कटिंग एंगल है, जिस स्पीड से वो जाप में क्या करता है, प्रवेश करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो
तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति मिनट। अब इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं कटिंग स्पीड को। फार्मूला कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो कटिंग स्पीड b बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर प्रति मिनट। किसमें है, मेट्रिक सिस्टम में। जब आपको ड्रिल का डायमीटर mm में दिया गया हो तो ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, b बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर प्रति मिनट। यदि आपको ड्रिल का डायमीटर है और mm में न देकर इंच में दिया हो, फीट में दिया हो, तो वहां हम प्रयोग करेंगे b बराबर पाई डी एन बाई 12 फीट प्रति मिनट। ये दोनों फार्मूले अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, मीट्रिक में ऊपर वाला और फिर ब्रिटिश में नीचे वाला। जहां पर b क्या है, b मतलब होता है कटिंग स्पीड, जिस स्पीड से जॉब में ड्रिल प्रवेश कर रहा है। d क्या है, डायमीटर ऑफ जॉब है, जो हम मतलब जॉब का जो हमारा डायमीटर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हमें जिसमें जॉब में ड्रिलिंग करनी है, तो वो हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया n rpm, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पर b क्या होता है, कटिंग स्पीड होता है। d क्या है, डायमीटर ऑफ जॉब, इसका मतलब जितने mm का जितने डायमीटर का आपको होल करना है। कभी कभी ये ड्रिल डायमीटर भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ लिखा होता है। इसका d का मतलब होता है कितने mm का कितने डायमीटर का आपको जॉब में ड्रिलिंग करनी है। n क्या होता है, n होता है rpm, राउंड पर मिनट किस स्पीड से आपका वो ड्रिल घूम रहा है, ठीक है, एक मिनट में कितने राउंड लगा रहा है, n rpm राउंड पर मिनट। तो अगर हमें कटिंग स्पीड निकालनी है तो b बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट का प्रयोग करेंगे, जब d हमारा mm में हो, और ये d इंच में हो तो b बराबर पाई डी एन बटा 12 फीट पर मिनट का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इसी के द्वारा आप b भी निकाल सकते हैं, मतलब कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ड्रिल का डायमीटर निकालना हो तो भी इसी फार्मूला निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें आरपीएम को कैलकुलेट करना हो तो भी इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आती है फीट, कि फीट क्या होती है, तो जाप में ड्रिल द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ही फीट कहलाती है। जो आपका ड्रिल है एक चक्कर में जाप के अंदर कितना प्रवेश करता है, उसमें कितनी दूरी तय करता है, अच्छे रूप से वही उसकी क्या कहलाती है, फीट कहलाती है। पूरा एक चक्कर घूमने में ड्रिल जितना प्रवेश करेगा जाप के अंदर वही उसकी फीट कहलाएगी। फीट की यूनिट बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसे mm पर रेगुलेशन में व्यक्त करते हैं, मिलीमीटर प्रति रेगुलेशन में फीट को व्यक्त किया जाता है। तो यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है ड्रिलिंग टाइम के कैलकुलेशन के लिए, तो ड्रिलिंग टाइम कैसे निकालते हैं, तो यदि n बराबर क्या हो, आरपीएम हो, s को हम फीट से डिनोट करें मिलीमीटर पर रेगुलेशन में, d क्या हो, डायमीटर ऑफ ड्रिल हो जो हमें होल करना है, l क्या है, डेप्थ ऑफ होल है कि कितनी गहराई तक आपको होल करना है। तो जो ड्रिलिंग टाइम कैलकुलेट किया जाता है, t बराबर यह होता है डेप्थ ऑफ होल बटा फीड इनटू आरपीएम। तो l क्या है, डेप्थ ऑफ होल है बटा फीड इनटू आरपीएम। अब यहां पर ये जो 0.3d लिखी है, ये ड्रिल का कोन हाइट होता है। तो अगर कोन हाइट आपको डायरेक्ट दिया गया है ऑप्शन सॉरी न्यूमेरिकल में, तो आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ये कोन हाइट आपको नहीं दिया गया है, तो कोन हाइट निकालने के लिए हमने फार्मूला लिख दिया है यहाँ पर, क्या होता है 0.3d, जितनी भी d की वैल्यू आपकी होगी यहाँ डायमीटर ऑफ ड्रिल की, उसका 0.3d लेकर हम डेप्थ ऑफ होल में जोड़ देंगे। तो क्या है फार्मूला ड्रिलिंग टाइम निकालने का, डेप्थ ऑफ होल बटा फीड इनटू आरपीएम। अब डेप्थ ऑफ होल में आपको कोन हाइट को भी ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ यल क्या है, डेप्थ ऑफ होल है, यस फीड है, यल क्या है, आरपीएम है। तो इस फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। अब जो आजकल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो ड्रिलिंग टाइम पे पूछे जाते हैं, इसमें पहले आपको तो फीड आरपीएम निकालना पड़ता है, फिर आरपीएम कैलकुलेट करने के बाद आपको ड्रिलिंग टाइम निकालना पड़ता है। तो आजकल के मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल कुछ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कटिंग स्पीड फॉर डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग कटिंग स्पीड रखी जाती है, तो किस प्रकार होती है ये देखते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम के लिए कटिंग स्पीड 70 से लेकर के 100 रखी जाती है, ब्रास के लिए 35 से 50, ब्रॉन्ज के लिए 22 से 35, कास्ट आयरन जो कि बेसिकली ग्रे कास्ट आयरन के लिए 25 से 40, कॉपर के लिए 35 से 45, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका होता है ये होता है स्टील, बेसिकली माइल्ड स्टील के लिए
20 से लेकर के 30 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल में इसी का प्रयोग करना होता है। स्टील के लिए जैसे कि अलॉय स्टील हो गया या हाई टेंसाइल स्टील हो गया, हाई टेंसाइल मटेरियल हो गए, उनके लिए 5 से 8, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए जो एडहेसिव प्लास्टिक होते हैं उसके लिए 22 से 30 रखी जाती है। आपको पता ही है कि ड्रिल कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो मीटर प्रति मिनट होती है। जो भी वैल्यू दिए गए हैं मीटर प्रति मिनट में दिए गए, आपको ध्यान किस रखना है, स्टील का 20 से 30 मीटर प्रति मिनट, अल्यूमिनियम 70 से 100। बेसिकली इसी दो पर ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट वैसे आपको सबका ध्यान रखना है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया कि फाइंड द आरपीएम ऑफ द हाई स्पीड ड्रिल इफ द ड्रिल डायमीटर इज इक्वल टू 24 mm, कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील इज एज्यूम 30 मीटर पर मिनट, देन फाइंड द आरपीएम। हमें निकालना है आरपीएम की गणना करनी है, कोई हाई स्पीड स्टील का मटेरियल है जिसमें हमें ड्रिल डायमीटर मतलब 24 mm का होल करना है, और माइल्ड स्टील की कटिंग स्पीड कितनी दी गई है, 30 मीटर प्रति मिनट दी गई है। तो आरपीएम निकालना है हमें, तो आरपीएम हम जानते हैं किसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं इसको। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ एमएम में दिया गया है, तो फार्मूला कौन सा पिकअप करेंगे, फर्स्ट वाला पिकअप करेंगे, तो बी बराबर पाई डी एन बटा 1000 मीटर पर मिनट। अब यहाँ से अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो एन इक्वल टू बी इंटू 1000 बटा पाई डी हो जाएगा। बी की वैल्यू आपको दी गई है मतलब जो कटिंग स्पीड है यहाँ दी गई है, यह है बी की वैल्यू, कटिंग स्पीड 30 हो गया, 1000 आपका 1000 हो गया। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 या 3.14, और फिर डी की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है कितनी है, 24 mm दिया गया है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा एन बराबर 398 आरपीएम, 398 आरपीएम। तो आशा करती हैं ये आपको समझ में आया होगा ये क्लास। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल मिलते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग से या फिर ड्रिलिंग के टाइम से या आरपीएम निकालने से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाना है एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।